हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 25 अक्टूबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। आज का जो पहला आर्टिकल आया है वो आया है सियोल पीस प्राइज को लेके। देखो, सियोल पीस प्राइज 2018 है वो कमेटी के द्वारा डिसाइड किया गया। सियोल पीस प्राइज कमेटी है उसके द्वारा कि इस बार का जो अवार्ड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। तो हम ये देखते हैं कि सियोल पीस प्राइज है क्या और क्यों है इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए हम थोड़ा बैकग्राउंड में जाके इसको अच्छे से देखते हैं। देखो, 1990 में जब ओलंपिक हुए थे, 24 ओलंपिक हुए थे उस टाइम पे, वो होते बेसिकली साउथ कोरिया में, सियोल में। तो उसी दौरान साउथ कोरिया जो है और नॉर्थ कोरिया में टेंशन भी चल रहे हैं, आपको पता है, काफी टाइम से। तो इसलिए वहां पे शांति स्थापित की जा सके, मतलब कोरियन पेनिनसुला है उसमें भी शांति रहे और बाकी अदर वर्ल्ड है, बाकी वर्ल्ड का जो और हिस्सा है, चाहे एशिया हो चाहे यूरोप हो, किसी भी हिस्से में शांति बनी रहे, इसके लिए बेसिकली इसकी स्टार्टिंग तरीके से की गई थी। क्योंकि 24वें जो ओलंपिक गेम हुए थे साउथ कोरिया के सियोल में, वहां पे एक्चुअली 24 ओलंपिक काफी अच्छे ढंग से हो गए थे सक्सेसफुली। तो इसीलिए बाद में 1990 में सियोल पीस प्राइज कमेटी के द्वारा सियोल पीस प्राइज है उसको स्टार्ट है वो किया गया था। अब अहम बात है कि अवार्ड दिया क्यों जाता है। देखो, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जिसने किसी ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी अच्छा काम किया हो, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, या फिर हम बात कर सकते हैं कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसे काफी सारे मतलब मानवता के लिए उन्होंने अच्छा काम किया है, उसको बेसिकली अवार्ड से नवाजा जाता है। तो इस बार की जो कमेटी थी सियोल पीस प्राइज कमेटी, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने ग्लोबल लेवल पे जो इंडिया की आप बोल सकते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए बहुत अच्छा काम किया, इसके साथ ही ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी इनका योगदान अद्वितीय रहा है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन मतलब आपस में सहयोग है कंट्रीज के बीच में, ये भी इनके द्वारा बरकरार रखा गया, और इंडिया में डेमोक्रेसी को भी इनके द्वारा डेवलप किया गया। इवन इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड के बाकी हिस्से में भी डेमोक्रेसी का प्रचार प्रसार किया गया। इन्होंने इंडिया में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने काफी सपोर्ट्स वगैरह प्रोवाइड है वो की है। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सियोल पीस प्राइज से नवाजा जाएगा। तो यह हमें ध्यान में रखना कि सियोल पीस प्राइज है क्या। सबसे अहम बात क्या है कि यह जो अवार्ड है यह बाई एनुअली दिया जाता है, तो ये फैक्ट भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम थोड़ा देखो कोरियन पेनिनसुला के बारे में देख लेते हैं। देखो, कोरियन पेनिनसुला की बात करें तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया कंट्रीज हैं वो आती हैं बेसिकली कोरियन पेनिनसुला में। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक्चुअली कुछ इस तरीके का, या आप छोटा सा मैप में दिख रहा होगा, तो यहाँ पे जो कोरिया दिख रहा है आपको, ये रहा चाइना के डच में, यहाँ पे दो कंट्रीज है, नीचे है वो है साउथ कोरिया, ऊपर है नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में वैसे टेंशन है, वो चलते रहते हैं, काफी ज्यादा इश्यूज थे बेसिकली। और साउथ कोरिया में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सियोल सिटी है, यहाँ पे बेसिकली 1990 में ओलंपिक है वो हुए थे। अब एक फैक्ट हमें ये ध्यान रखना है कि जो कोरिया स्टेट है, कोरिया स्टेट है वो किन किन को अलग करती है। तो यह ध्यान रखना है कि कोरिया स्टेट है वो साउथ कोरिया और जापान को अलग करती है। यहाँ पे हमें कंफ्यूज कर सकता है एग्जाम में कि कोरियन जो कोरिया स्टेट है वो एक्चुअली साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को अलग करती है, या फिर नॉर्थ कोरिया और जापान को अलग करती है, या फिर साउथ कोरिया और जापान को। इस तरीके से घुमा फिरा के हमें काफी सारे ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि चाइना को अलग करती है या वगैरह वगैरह। तो हमें ध्यान में रखना है कि कोरिया स्टेट है वो जापान और साउथ कोरिया के बीच में है। तो ये एक फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है। यूपीएससी देखो मैप बेस्ड भी क्वेश्चन काफी बार पूछ लेती है, तो इनके बारे में थोड़ा हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट देखो थोड़ा सा एक बार नजर मार लेते हैं इस पे। कंटेक्स्ट कुछ इतना ही है कि अभी एक एक्सरसाइज जो कि ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी इन पाकिस्तान और रशिया के बीच में, जिसका नाम था डूजबा। तो बेसिकली देखो, एक बात करूँ तो रशियन वर्ड है जिसका मतलब होता है वैसे फ्रेंडशिप। तो इसका थर्ड जो एडिशन है वो अभी पाकिस्तान में आयोजित है, वो किया जा रहा है। तो देखो, इंडिया के लिए आपको पता है कि रशिया काफी इंपॉर्टेंट है, और अगर इस मामले में रशिया की कोई भी पाकिस्तान के साथ एक्सरसाइज होती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। तो कहीं आप आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हो, या फिर थोड़ा फैक्ट के तौर पर पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वह है इन्वेस्ट इंडिया को लेके। तो पहले तो हम देखते हैं कि इन्वेस्ट इंडिया है क्या, फिर हम कंटेक्स्ट को डिस्कस करेंगे। देखो, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए और फैसिलिटेट करने के लिए एक एजेंसी बनाई गई थी जिसका नाम था इन्वेस्ट इंडिया। तो हम बात करें कि इंडिया के अंदर कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टर्स है, वो आके अगर इंडिया में पैसे इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो उसको पता कैसे चलेगा कि भाई इंडिया में कहाँ तो इन्वेस्ट करना है, कौन सा मार्केट अच्छा है, कहाँ पे हमें रिसोर्सेज अच्छे मिलेंगे, कहाँ पे रॉ मटेरियल की क्वालिटी अच्छी है, कहाँ पे मार्केट वगैरह। तो देखो, कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तो इसलिए बेसिकली इन्वेस्ट इंडिया एक सेल का, एक एजेंसी का निर्माण है वो किया गया था 2010 में, बेसिकली एक ज्वाइंट वेंचर के तौर पे इसे बनाया गया था। हम बात करें इन्वेस्ट इंडिया की, तो यह एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है जो कि आता है डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, यानी कि डीआईपीपी। और हम जानते हैं कि डीआईपीपी है वो आता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंतर्गत, मतलब इन्वेस्टमेंट इंडिया है वो कॉमर्स कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके द्वारा एक नॉन प्रॉफिट वेंचर के तौर पर बनाया गया था।
2010 में क्या हुआ, इस ज्वाइंट वेंचर में और भी इंस्टीट्यूट हैं, और भी संस्थाएं हैं, उनको ऐड कर दिया गया। जैसे कि जो डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पोल्यूशन प्रमोशन था, इसके तो इसमें 35% हिस्सेदारी रखी गई। इसके साथ ही फिक्की जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम देखेंगे, उसकी 51% हिस्सेदारी की गई। इसके साथ ही जो इंडिया के बाकी स्टेट हैं उनकी हर की 0.5% हिस्सेदारी के तौर पर इसको बेसिकली बनाया गया था। अब हम थोड़ा यहाँ पे फिक्की को भी देख लेते हैं। फिक्की का मतलब है यहाँ पे फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो थोड़ा फिक्की के बारे में दो चार फैक्ट्स हैं वो देख लेते हैं। देखो यूपीएससी इसके बारे में पूछ लेते हैं कि क्या कोई एनजीओ वगैरह है या नहीं है। अब हम बात करें फिक्की की, तो देखो यह इंडिया के अंदर जो भी बेसिकली इंडस्ट्री है, मैन मैन हम बात करें, उनके द्वारा मिलाया गया एक ग्रुप है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या है कि एक समूह है एक तरीके का, जिस तरीके से होते नहीं है कि जो भी कर्मचारी वगैरह होते हैं वो अपना एक संघ बना के रखते हैं, उसी तरीके से इंडिया की जो इंडस्ट्री है उन्होंने अपना एक संघ बना रखा है, उसका नाम है बेसिकली फिक्की। इसे आजादी से पहले बनाया गया था 1927 में, महात्मा गांधी जी की एडवाइस के बाद में इसे बनाया गया था, जिसका आप जानते हो घनश्याम दास बिरला, जो कि बिरला कंपनी के ओनर थे एक्चुअली, उनके द्वारा, इसके साथ ही पुरुषोत्तम दास थे, उन दोनों के द्वारा बेसिकली मिलकर बनाया गया था। तो यह इंडिया का लार्जेस्ट और अपेक्स और ओल्डेस्ट बात करें तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली कंपनियों के संघ के तौर पर काम है वो इंडिया में करता है। तो यह हमें ध्यान में रखना है कि नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, कोई एक तरीके की यूपीएससी पूछ ले कि नॉन गवर्नमेंटल वगैरह है, तो हमें यहाँ पे फैक्ट पता होना चाहिए कि भाई आखिर है क्या, इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करता है नहीं करता, या क्या इसके बारे में फैक्ट्स वगैरह हो जाते हैं। अब हमने देखा कि फिक्की है, इसकी भी इसमें 51% हिस्सेदारी है वो की गई। काम क्या है इन्वेस्ट इंडिया का, इन्वेस्ट इंडिया का काम यह है कि इंडिया में कोई भी इन्वेस्टर्स हो, देखो इंडिया का भी हो चाहे इन्वेस्टर्स या फिर बाहर का हो, मतलब घरेलू इन्वेस्टर हो या फिर चाहे फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही हो, उसको बेसिकली स्टेट और सेक्टर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि भाई इस स्टेट के अंदर आप ऐसे इन्वेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे ही आपको बेनिफिट होंगे, सारी डिटेल्स वगैरह उनको प्रोवाइड है वो की जाती है। अब बात यहाँ पे आती है कि भाई इन्वेस्ट इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी। देखो हम बात करें इन्वेस्ट इंडिया है, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की सख्त जरूरत थी। 1990 में हमने देखा था कि हमारे देश में किस तरीके से इकोनॉमिक क्राइसिस आ चुके थे, तो इसके बाद हमारे देश के रूल रेगुलेशन काफी लिबरल हो गए थे और ग्लोबल लेवल पे हमारा मार्केट है वो ओपन हो गया था, तो काफी सारी बाहर की कंपनीज इंडिया में ही और इवन इंडिया की कंपनीज है वो भी बाहर जाके काम वो करने लगी थी। अब हम बात करें कंटेक्स्ट की। कंटेक्स्ट देखो ये है कि अभी जो इन्वेस्टमेंट इंडिया जो प्रोग्राम है या फिर जो प्रोग्राम चल रहा है बेसिकली, इसको यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है वो दिया गया है। मतलब यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है वो इंडिया के इन्वेस्ट इंडिया प्रोग्राम को इस बार दिया गया है। और हम बात करें यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड की, तो यह बेसिकली वार्षिक हर साल दिया जाता है, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। 2002 से इस अवार्ड को स्टार्ट है वो किया गया था। इंडिया को दिया क्यों जा रहा है, क्योंकि देखो अभी आपको पता है कि IMF ने कुछ टाइम पहले कहा था कि इंडिया है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। इसके साथ ही मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम चलाया गया था उसमें भी, जब भी ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था उसके बाद हमारे देश में जो FDI थी वो 37% से इंक्रीज है वो हो गई। इसके साथ ही इंडिया का जो मार्केट है वो काफी अट्रैक्टिव है और डोमेस्टिक मार्केट भी काफी बड़ा है, तो ऑब्वियसली काफी ज्यादा बेनिफिट इंडिया को हो रहे हैं इससे। इसीलिए यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है जो कि दिया जाता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट के द्वारा, वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट इंडिया प्रोग्राम को दिया गया है, तो यह हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात करें कि जो यूएन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है इसमें और कौन कौन है। देखो बेसिकली UNCTAD के द्वारा तो दिया ही जा रहा है, इसके साथ ही और भी इसमें शामिल है, जिन छोटी छोटी मतलब ग्रुप्स हैं उनके द्वारा बेसिकली दिया जाता है, बट मेनली यहाँ यही ध्यान रखना है कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो ट्रेड एंड डेवलपमेंट के लिए कॉन्फ्रेंस, उसके द्वारा बेसिकली अवार्ड दिया जाता है। और कब स्टार्ट किया गया था, 2002 में। इसके साथ ही जो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है यानी IPS है, उसके तौर पे बेसिकली यूएन यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है वो काम करता है। मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट किया जाए सभी कंट्रीज में, चाहे वो डेवलप कंट्री हो या फिर चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो, क्योंकि देखो हर कंट्री के लिए इन्वेस्टमेंट इंपॉर्टेंट होता है उसकी ग्रोथ के लिए, चाहे हम बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर हम बात करें सस्टेनेबल ग्रोथ की, हर ईच एंड एवरी एरियाज के लिए हम कह सकते हैं कि ग्रोथ है वो इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए हमें जरूरत है कि हर कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट हो ताकि वहां पे मार्केट हो अच्छे से बनी रहे। तो ये ध्यान रखना कि इस बार का अवार्ड किसको यह दिया जा रहा है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है स्टेपकोर 2018 के बारे में। देखो अभी स्टेपकोर 2018 का मतलब कि जो थर्ड एडिशन था वो बेसिकली लक्षद्वीप का एक आइलैंड है जिसका नाम है वेंगाराम, इस आइलैंड में बेसिकली अभी एक कॉन्फ्रेंस है वो आयोजित है वो की गई थी। अब हम देखते हैं कि स्टेपकोर है क्या।
देखो स्टेपकोर का बेसिकली मतलब है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ। मतलब जो कोरल रीफ है इनकी प्रोटेक्शन के लिए और इनकी स्टेटस कैसी है इसके लिए कॉन्फ्रेंस होती है। तो उसका तीसरा जो एडिशन है वो अभी लक्षद्वीप आइलैंड का एक हिस्सा है जिसका नाम है बेंगाराम कोरल आइलैंड। तो इसमें बेसिकली इस बारी कॉन्फ्रेंस है वो हुई थी। जो एक स्टेपकोर जो कॉन्फ्रेंस है इसका पहला एडिशन था वो हुआ था 1998 में। हर 10 साल में बेसिकली ये रिव्यू किया जाता है कोरल रीफ्स का कि भाई कैसा काम चल रहा है, उनको कैसे प्रोटेक्ट वगैरह करना है उनके लिए। और अभी तीसरा एडिशन इंडिया के लक्षद्वीप में बेंगोराम में इसका आयोजित है वो किया गया है। थीम क्या थी इस बार की? थीम थी रीफ फॉर लाइफ। तो यह ध्यान रखना है कि इस बार की थीम थी रीफ फॉर लाइफ। अब देखते हैं किसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज है वो किया गया था। देखो यह ज्वाइंट ऑर्गेनाइज की गई थी, मतलब काफी सारी इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पे मिलके आई थी, या बोल सकते हैं कि डिपार्टमेंट, जैसे कि इंडिया की जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है वो इसके साथ ही इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर मतलब कि IUCN, और इसी के साथ ही लक्षद्वीप का जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है वो, और इसी के साथ ही इंडिया का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिस जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा बेसिकली यहाँ पे टेक्निकल सपोर्ट दिया गया था। इसी के साथ ही इन्वायरमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, इन मिले मिलके इसको ऑर्गेनाइज है वो किया था। अब इम्पोर्टेंट क्या है? देखो एक तो IUCN यहाँ पे शामिल है तो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि भाई IUCN भी इसमें शामिल है। आप ये बताइए कि IUCN है वो UN के द्वारा रिकॉग्नाइज है या नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है कि IUCN UN के द्वारा रिकॉग्नाइज है या फिर नहीं है। अब इस बार की जो कॉन्फ्रेंस हुई, थर्ड एडिशन हुआ इस कॉन्फ्रेंस का, इसमें क्या बातें की गई वो देखते हैं। इसमें देखो मेनली फोकस ये किया गया कि एलनिनो और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग या कोरल रीफ है उनको नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए उनकी प्रोटेक्शन जरूरी है। तो कोरल रीफ को हमें प्रोटेक्ट करना है ताकि जो मरीन आप बोल सकते हो बायोडाइवर्सिटी है या फिर जो मरीन रिसोर्सेज हैं उनको हम प्रॉपर ढंग से यूज भी कर सकें और बायोडाइवर्सिटी वो कंटिन्यू मेंटेन रह सके, इसके लिए बेसिकली इस पे फोकस है वो किया गया था। तो यह ध्यान रखना है कि स्टॉपकोप का जो थर्ड एडिशन है वो इंडिया के कोरल आइलैंड है जो कि लक्षद्वीप के अंदर है बेंगाराम, वहां पे आयोजित है वो की गई थी। हर 10 साल में बेसिकली आए रिव्यू किया जाता है कि भाई कोरल रीफ को लेकर कैसा काम वगैरह चल रहा है। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, और देखो जो 23rd की डिस्कशन थी वो आज इवनिंग तक अपलोड है वो कर दी जाएगी, और कल की जो डिस्कशन थी यानी कि 24th की वो हम कल डिस्कस करेंगे। तो 24th की डिस्कशन और 26th की डिस्कशन है वो हम कल करेंगे एक साथ, और आज हम 25th और 23rd दोनों की डिस्कशन, एक तो हमने कर ली है अभी 25th की, और 23rd की डिस्कशन है वो इवनिंग तक वीडियो अपलोड है वो कर दिया जाएगा। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या डिस्कस किया। आज हमने सबसे पहले तो फिक्की के बारे में जाना, जो है क्या, एक नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, इंडिया की जो इंडस्ट्रीज हैं इनका एक एसोसिएशन या एक ग्रुप है जो कि आज़ादी से पहले बनाया गया था, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाता है। इसके साथ ही हमने सियोल पीस प्राइज के बारे में जाना जो कि इस बार नरेंद्र मोदी को दिया जाना है और कब स्टार्ट किया गया था उसके बारे में जाना। इसके साथ ही हमने पाकिस्तान और रशिया की जो ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसका नाम है ड्रुजबा उसके बारे में हमने जाना। इसके साथ ही हमने इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट इंडिया प्रोग्राम है उसके बारे में जाना कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा है, और हमने देखा कि जो यूनाइटेड नेशन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड है वो इंडिया के इन्वेस्टमेंट इंडिया प्रोग्राम को दिया गया है। इसके साथ ही हमने स्टेपकोर के बारे में जाना जो कि कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली स्टार्ट है वो किया गया था। तो ये तो थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, और जो PDF है वो नीचे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा तो आप उस टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं डेली, और इसी के साथ आप वहां पे PDF भी डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, और जो स्टडी मटेरियल है वो भी आपको वहां से मिल जाएगा। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।